हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मिली। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने कुकिंग के वीडियो कैसे शूट करती हूं और कहां पे करती हूं और कैसे करती हूं। मैं अपने कुकिंग के वीडियो हमेशा अपने किचन में ही बनाती हूं। हमारा किचन काफ़ी बड़ा है जिसमें बहुत ही अच्छी लाइट रहती है और हमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने अपने किचन के दो वीडियो बनाए हैं तो आपने देखा होगा कि मेरा किचन कितना बड़ा है और कैसा है। मेरा किचन बहुत ही सिंपल है, मेरा किचन बहुत ही अच्छा है। ये है मेरा किचन। किचन मेरा काफ़ी बड़ा है तो मैं अपने कुकिंग के वीडियो किचन में ही शूट करती हूँ। काफ़ी जगह है मेरे किचन में और किचन हमारा बहुत ही खुला बना हुआ है और अच्छी सी रोशनी भी किचन में रहती है, इसलिए हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अक्सर मैं अपने सारे कुकिंग के वीडियो दिन में ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने कुकिंग के वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोई अच्छा सा कपड़ा या कुछ बैकग्राउंड अच्छा दिखे इसके लिए मैं कोई अच्छा सा कपड़ा या कोई चीज़ इस पटरे पर डाल लेती हूँ जिससे पीछे का बैकग्राउंड अच्छा दिखे। ये मैंने अच्छे से बिछा दिया है पटरे पे जिससे हमारा बैकग्राउंड अच्छा दिखेगा पीछे का, और जो मैं सामान इस पे रखूँगी वो भी बहुत ही अच्छे से दिखेगा साफ। और फिर ये हमारे पास एक स्टैंड है, इसी स्टैंड से मैं अपने सारे वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। इस स्टैंड को मैंने एक पटली में फिट किया है, इसे आप जहाँ चाहें वहाँ अच्छे से फिट कर सकते हैं, पटरे में या मशीन पे या जो भी आपको वीडियो बनाना है उस हिसाब से आप स्टैंड को कहीं भी अच्छे से सेट कर सकती हैं। तो ये मैंने पटली पे पहले से अपना स्टैंड सेट कर लिया है। ये मैंने बैकग्राउंड के लिए एक अच्छा सा कपड़ा बिछा लिया है और अपना स्टैंड रख लिया है। और फिर उसके बाद हमें जो रेसिपी बनानी है उसका सारा सामान हम एक पास में रख लेंगे। ये ऐसे मैं अपना स्टैंड लगा लेती हूँ और ये सारा रेसिपी का सामान एक पास में ऐसे रख लेती हूँ। फिर मैं अपना मोबाइल होल्डर में यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल लगाती हूँ। यहाँ पे मैं ये मोबाइल यहाँ पे सेट करती हूँ। ये ऐसे स्टैंड पे मैं मोबाइल लगा देती हूँ। फिर मोबाइल लगाने के बाद मैं फ़ोन का कैमरा जो मैंने नीचे सामान रखा है उसी पे अच्छे से फोकस कर देती हूँ। सामान पे ही कैमरा अच्छे से सेट कर देती हूँ जिससे हमारी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। और फिर फ़ोन ऐसे लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो हमें रेसिपी बनानी है उसकी मैं मात्रा बताती हूँ कि कितना क्या हमें लेना है और कौन सी हमें रेसिपी बनानी है वो सब हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये जीरा लिया है, थोड़ा सा थोड़ी सी पिसी हुई धनिया ली है और थोड़ी सी हल्दी ली है, ये दो प्याज लिए हैं और हरी मिर्च ली है और ये मैंने आलू लिए हैं। तो जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ उसका सामान मैं ऐसे रख लेती हूँ एक साथ में पहले। और यहाँ पे मैं अपना कैमरा ऑन करके फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमारी वीडियो रिकॉर्ड होने लगती है। इसी तरह से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो जब मैं अपनी रेसिपी कुक करती हूँ तो मैं अपनी वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करती हूँ, ऐसे ही स्टैंड सेट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं कैमरा ऑन करके वीडियो ऑन कर देती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए और कढ़ाई पे फोकस कर लेती हूँ। और फिर हमें जो रेसिपी बनानी है मैं इस कढ़ाई में आराम से बना सकती हूँ और हमारी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है।
जैसे कि ये कढ़ाई हमारी गैस चूल्हे पे एकदम साफ़ दिख रही है, वैसे ही हमें फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, जिससे कि जो रेसिपी हम बनाएं वो हमारी बहुत ही अच्छे से साफ फ़ोन में अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए और एकदम क्लियर दिखे। इसके लिए मैं फ़ोन के कैमरे को अच्छे से कढ़ाई पे या मतलब जिस बर्तन में आप रेसिपी बनाती हो उस बर्तन पे आप अच्छे से कैमरा फोकस कर दो और अच्छे से कैमरे को सेट कर दो उसी चीज़ पे, जिससे कि आप जो रेसिपी बनाएंगी या जो भी चीज़ बनाएंगी वो अच्छे से क्लियर साफ वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी और इससे हमारी अच्छे से वीडियो बन जाती है। तो मैं ऐसे ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ जब मैं रेसिपी कुक करती हूँ, इसी तरह मैं ऊपर कैमरे में रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ और मैं यहाँ पे अपनी रेसिपी कुक करती हूँ, बहुत ही अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और हमें ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और फिर जब मैं अपनी रेसिपी कुक कर लेती हूँ उसके बाद में मैं ऐसे ट्रे में रेसिपी को रखती हूँ, जो भी मैंने रेसिपी बनाई है उसको मैं ऐसे ट्रे में रख लेती हूँ और इसी तरह मैं अपनी रेसिपी के वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर लेती हूँ और हमारी वीडियो बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो मैं इसी तरह अपनी कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और लास्ट में मैं बोलती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये सब मैं अच्छे से इसी तरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ और इसी तरह हमारी कुकिंग की सारी वीडियो अच्छे से बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि मैं अपनी कुकिंग के वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।